सेंटर है उसका आज यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम भी माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। ये हमारे युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने और इस फील्ड में कार्य करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा, हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा। लखनऊ के सभी युवाओं को, जिन युवाओं को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, खासतौर पर जिन युवाओं को हम लोगों ने टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं, उन लोगों के एक अवसर होगा। ये सभी उनके लिए एक नया अवसर है। आज के इस अवसर पर लखनऊ में फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की उद्घाटन का कार्यक्रम भी, जिसमें हमने सत्र प्रारंभ कर लिया है और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों के साथ ही यहाँ पे ऊर्जा विभाग का, नगर विकास विभाग का, स्मार्ट सिटी मिशन का, लोक निर्माण विभाग के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज लखनऊ वासियों को प्राप्त होने जा रही है, इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, मोहनलालगंज के हमारे सांसद कौशल किशोर जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए विश्वास करता हूं कि जो एक यशस्वी नेतृत्व लखनऊ ने प्रदान किया है, यह न केवल देश की रक्षा को सुनिश्चित कर रहा है बल्कि लखनऊ को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित करते हुए, स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करते हुए लोगों के सामने नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति मैं होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय।